इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से साइड इफेक्ट, बीते 48 घंटे में कम से कम 129 लोगों की मौत हुई। रायगढ़ में भीषण बाढ़ से हाहाकार, महाड़ में लैंडस्लाइड से 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कुदरती आफत में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना, गृहमंत्री शाह ने उद्धव ठाकरे से की बात। सेंट्रल रेलवे के कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश, पानी बना मुसीबत, 30 ट्रेनें रद्द, 12 ट्रेनों के रूट बदले गए। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में जोरदार बारिश, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में रुक रुक कर जारी बरसात, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जलभराव बन सकती है लोगों की परेशानी। ओडिशा के भुवनेश्वर में एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में करेगी मदद। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पानी में बहते हुए मगरमच्छ को रिहायशी इलाके में पहुंचा, ग्रामीणों ने रस्सी और बोरे के सहारे मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। महाराष्ट्र के वर्धा में जान जोखिम में डालकर लहरों को पार करना बाइक सवार को पड़ा महंगा, पानी के तेज बहाव में बही बाइक, स्थानीय लोगों ने बचाया। कर्नाटक में बारिश, बाढ़ से हाहाकार, उत्तर कन्नड़ इलाका हुआ पानी पानी, कई गांव डूबे। आर्मी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी, बीते 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत। कर्नाटक की कई जगहों पर लैंडस्लाइड से आई आफत, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में लैंडस्लाइड, ट्रेन की कई बोगी मलबे में दबी, ट्रेन के अंदर तक पानी भरा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाल बाल बची 2 लोगों की जान, पानी के तेज बहाव में बाइक सवार बहे। यूपी में आम के स्वाद पर तेज हुई सियासत, राहुल के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को ट्विटर पर घेरा, कहा राहुल गांधी का टेस्ट ही विभाजनकारी। राहुल पर सीएम योगी का तंज, कहा राहुल के संस्कार में पूरा देश परिचित, फल के स्वाद को भी क्षेत्रवाद की आग में झोंका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। बीजेपी सांसद रवि किशन का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस को यूपी का आम पसंद नहीं और यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू का कैप्टन पर निशाना, मंच से सिद्धू ने कैप्टन को बिजली, ड्रग्स और किसान के मुद्दे पर घेरा। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह, राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। शिलांग में गृहमंत्री अमित शाह का व्यस्त कार्यक्रम, मायोंग में ISBT और न्यू शिलांग टाउनशिप में क्रायोजेनिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 25 जुलाई को असम पहुंचेंगे शाह, असम राइफल्स के मुख्यालय के दौरे के साथ साथ गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। सोमवार को दिल्ली पहुंचने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा दांव, बिना सांसद बने तृणमूल संसदीय बोर्ड की नेता बनाई गई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस पर देशवासियों को खास संदेश देंगे पीएम मोदी, सुबह 8:30 बजे होगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी वारदात, आतंकियों ने एक सरकारी कर्मचारी की हत्या की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए मुस्लिम समुदाय भी आया साथ, अंजुमन इंतजामिया कमेटी मस्जिद ने दी अपनी जमीन, बदले में काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने 1000 स्क्वायर मीटर जमीन बांस फाटक पर दी। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राजकुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, केस की जांच की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंची। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ, राजकुंद्रा के सामने बिठाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। यूपी के मेरठ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुटी। तमिलनाडु के शिवगंगा के मंदिर में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, राज्य के कई जिलों में पहुंचे भक्त, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। रूस के कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही, सिल्का इलाके में भरा पानी, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन पर पुल गिरने से कई ट्रेन ठप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।